नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवतन मलेशिया। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जनवरी का जो बेरोजगारी भत्ता है वो बैंक अकाउंट में आ चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पास, मैं आपको एक ईमेल चेक कराऊंगा डेमो के लिए। आप देख सकते हैं जो नेप्ट इन्फॉर्मेशन जो ITPS है, इन्होंने जो 3000 की जो मुफ्त राशि मिलती है वो इन्होंने सेंड कर दी है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, और आपका जो इस महीने का जो बेरोजगारी भत्ता है वो आया नहीं है, जनवरी का आया है। फरवरी मार्च अप्रैल का भी पेंडिंग में है, लेकिन जनवरी का जो बेरोजगारी भत्ता है वो आ चुका है। आप देख सकते हैं ये 27 अप्रैल को आया था, 27 अप्रैल को 3000 रुपये की जो राशि है वो आ चुकी है। आप देख सकते हैं 27 अप्रैल को, मतलब इस महीने का जो बेरोजगारी भत्ता है वो आ चुका है। देखिए जो शिखर का बेरोजगारी भत्ता है, डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, शिखर का जो बेरोजगारी भत्ता है वो आ चुका है। आप चेक कर सकते हैं इसमें, जो आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर है, जो अमाउंट है, और इनकी जो UTR नंबर है वो सेंट कहाँ से आया है, आप देख सकते हैं शिखर से आया है इनका, और RBI इनका जो IFSC कोड नंबर है। तो आप देख सकते हैं इस महीने में जो जनवरी का जो पेमेंट है वो आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको अपने जो SBI ऑनलाइन है उसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा, आप इस वीडियो पर लगातार बने रहें। कि 27 अप्रैल को जो 3000 की जो राशि है वो आ चुकी है आपके अकाउंट में। ये जो मैंने ऑनलाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ ये SBI का है, यहाँ पर टोटल जो चीज़ है वो लिखी हुई है, पूरी जो CIF नंबर है टोटल इसमें लिखा हुआ, अमाउंट भी इसमें है टोटल, जो इसमें आपको मैं बताऊँगा। तो देखिए जो इस महीने में जो जनवरी का पेमेंट आ चुका है, इसका पहले जो 20 नवम्बर को जो पेमेंट आया था, नवम्बर के बाद में मतलब दिसंबर में भी पेमेंट आया था। तो देखिए मैं आपको 20 नवम्बर में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए जो ये शिखर का जो पेमेंट है 20 नवंबर को आया था 3000 रुपये का, और उसके बाद में आप दिसंबर में भी चेक कर सकते हैं। मतलब जो 3000 की जो राशि इस महीने में, जो इस साल का जो पहला पेमेंट है 3000 का, वो आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो चेक कर सकते हैं, और आप आराम से आपका जो अकाउंट में आप चेक कर सकते हैं। तो इस महीने में आपका जो फरवरी और मार्च अप्रैल का नहीं आया, लेकिन इस महीने में अप्रैल में जो जनवरी का जो है आपका जो पेमेंट वो आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। मैं इस महीने का आपको पेमेंट दिखाऊंगा, इस महीने में आपका जो पेमेंट है वो आ चुका है, और ये जो पेमेंट है वो आपका जो जनवरी माह का 2021 जनवरी 2021 का है वो पेमेंट आ चुका है। फरवरी में अब आने वाला है पेमेंट, बहुत जल्द आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसके बाद में आप चेक कर सकते हैं जो नवंबर के बाद में जो दिसंबर का जो पेमेंट है वो भी आया नहीं है, लेकिन ये जनवरी में पेमेंट आ चुका है। मतलब दिसंबर का भी आप मान सकते हैं, किसी का दिसंबर का तो किसी का जनवरी का। तो ये आज मैं आपको जो लेटेस्ट आपको पेमेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप देखिए जो 27 तारीख को जो पेमेंट है वो आ चुका है, मतलब 27 अप्रैल को 3000 की जो राशि है वो आ चुकी है। आप देख सकते हैं 3000 की जो राशि, आप चेक कर सकते हैं इसमें जो 27 अप्रैल 2021, आप देख सकते हैं ये पेमेंट आ चुका है शिखर से, और टोटल जानकारी इसमें है 3000 की जो ये राशि है, इस महीने का जो पेमेंट है वो आ चुका है। फ्रेंड्स यदि आपका पेमेंट नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं आपका जो बेरोजगार भत्ता चेक करके आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नवतन मलेशिया, आपका स्वागत है एक छोटे से चैनल में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।